हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसिफ टेक्निकल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। आज जानते हैं स्पार्टन बार बेंडिंग मशीन है, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये अपना फुट स्विच है, ठीक है, पैर से चला के देखते हैं। फर्स्ट टाइम पे प्रेस करने पे चल नहीं रहा है। ओके, होम पोजीशन का लिमिट अपना प्रॉपर कट रहा है, देखिए। ठीक है, और ये रिवर्स वाले क्या हो रहा है, क्रॉस करके निकल रहा है। फुट स्विच भी आपका पैर भी एक बार दबाने पे नहीं चल रहा है, एक सेकेंड टाइम उसको प्रेस करते हुए चल रहा है। और रिवर्स का लिमिट स्विच क्या हो रहा है, स्किप कर रहा है। तो क्यों कर रहा है इसके बारे में जानते हैं। रिवर्स का लिमिट स्विच स्किप कर रहा है, तो एक बार लिमिट स्विच को ओपन करते हैं और देखते हैं। ठीक है, दोनों को देखते हैं। होम पोजीशन का पहले खोलते हैं। सही है, यहाँ पे एनो में कनेक्शन। ओके, बट यहाँ देखिए एनसी पे ये क्या है, रॉन्ग कनेक्शन है। इन्होंने लिमिट स्विच चेंज किया होगा तो ये गलत कनेक्शन कर रखा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखें यहाँ इसका सर्किट डायग्राम भी दे रखा है। रिवर्स लिमिट स्विच का आप देखें यहाँ पे क्या है, एनओ है, और होम पोजीशन भी एनओ है। मतलब दोनों लिमिट स्विच आपका कनेक्शन एनओ में होना चाहिए। ये पीएलसी वाली मशीन है, ठीक है, तो इसमें दोनों एनओ में कनेक्शन होना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एक साइड के स्किप कर रहा है क्योंकि वो एनसी में। तो अभी देखते हैं इसको अब एनओ में करने के बाद क्या होता है। अभी क्या है, रिवर्स वाला हमने एनओ में कर दिया और होम पोजीशन का भी एनओ में। बोथ लिमिट स्विच क्या हो गया कनेक्शन आपका एनओ में, ठीक है, एज पर सर्किट डायग्राम हमने कर दिया। अब चला के देखते हैं, देखिए प्रॉपर उग रहा है। एक गलत कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा था, दो हो रहा था। पहला, फर्स्ट टाइम अगर हम प्रेस करते थे फुट स्विच को तो नहीं चलता था, सेकंड टाइम में जब प्रेस करते थे तब चलता था। दूसरा क्या हो रहा था कि हमारा लिमिट स्विच जो है प्रॉपर कट नहीं रहा था, लिमिट पे प्रॉपर वो रुक नहीं रहा था, वो आगे निकल जा रहा था। तो दोनों लिमिट स्विच हम अगर चेंज करना है तो प्रॉपर दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इस टाइप का प्रॉब्लम फेस हो रहा हो तो लिमिट स्विच को एक बार ज़रूर चेक करें।